हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो ब्लश के लिए है। एक्चुअली ब्लश जब से पैदा हुई है ये अभी तक नहाई नहीं है, तो आज इसका फर्स्ट बात है। सो आज आपको हम बताएंगे इनको इसको नहला कैसे रहे, और ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है बिकॉज इसको पानी से पानी के पास जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गर्म तो स्टार्ट हो रहा है, ये ब्लश को स्टार्ट किया। नो ब्लश बोले बाबू, चिल्ला जितना चिल्लाना आज, लेकिन आज मैं नहाना चाहिए। पानी थोड़ा सा, एक काम कर, इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ले। ये ओले बाबू, पता है तुझे एक बार नहीं नहाया तूने अभी तक। ये भी पक्का मासी पे गई है। खुद मासी लेकिन एक बात बोलूं, ये पानी गंदा नहीं हो गया? आपने क्या किया मेरी यार, मैं बोला तो बाहर रखिए ना। चलो छोड़, क्या करूं। ब्लश अभी रुक जा, रुक जा, रुक जा। इतना क्या करेंगे? बस 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 बस। हम तो डूडू पीएंगे। देना जरा इसको, इसको खाने के लिए। अच्छा डर रही है ना ये, रुक जा इसको खाना नहीं है। डूडू पिएंगे हम तो, डूडू पिएंगे, नई नई करके डूडू पिएंगे, डूडू। सैलून के बाहर ला रही हूँ तेरे को मैं। यू शुड बी लकी अबाउट इट। हाँ डर गया वो ही मैं अशुन डलू दिन ना 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 बस इसको मासी की तरह पानी से डर लगता है भाई, मैंने अभी बोला आपको। ब्लश यार क्या कर रही है यार? और जाए छोटे से फोन नहीं छोड़ के मासी मेरे को दे। अब इसको मजा, स्विमिंग पूल है ये ब्लश आपका। अब आया मजा, मजा आ रहा है इसको। Now you are feeling good? Yes, mama. बाबू जाना पड़ेगा एक बंदे को अंदर। क्या करना? इसके लिए गर्म पानी खड़ा और करना, क्योंकि बाद में वॉश किससे करूँगी। इसका नहीं जल्दी, इतना टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में गर्म हो जाता है ये। जब तक मैं अंदर आई थी ना, तब तक गर्म हो जाएगा। इनके सर पे थोड़ी पानी डालते हैं। हाँ सर पे नहीं डालते पानी, ब्लश ब्लश, नो नो बेबी, नो नो नो। डर गई है बोलो, आप इसको जल्दी करना पड़ेगा, ये डर गई है। ओ ये रहने दे, ये आप पूरे पावर क्यों रखा है उधर, आपके सर से गिरा हुआ। अब एक काम करो, मेरे फोन से ना रूही, मेरे फोन से अलियास के नंबर पे कॉल करना। Gracias.
गर्म वाला ही मारना है, ठंड लगी है बस। तो यहाँ पे अब पापा से ड्राई कर रहे हैं क्योंकि कैच को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैंने पकड़ के रखा हुआ था। बस कल आ जाओगे ठीक है टाइम। उसके बाद ब्लश को ट्रीट देना बहुत ज़रूरी था और ये बहुत खुश होकर इसने ट्रीट खाई। उसको एक्चुअली बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, देन इसको इसके बाद उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा अब इसको मैं सुला देती हूँ। तो गाइस ब्लश का नहाना हो गया, लेकिन ब्लश बहुत ज़्यादा डर गई है, अभी मुझे एक मिनट नहीं छोड़ रही थी क्योंकि इसका ये फर्स्ट बाथ था, तो अब थोड़ी सी इसको पैम्परिंग की बहुत ज़रूरत है। फिर मैं खुद भी घबरा गई थी टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा शिवर होने लगी, तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है इसको, लेकिन एक्चुअली इसको सर्दी लग रही थी, तो उस टाइम पर आप देख सकते हो। अब मैंने इसको थोड़ा सा लपेटा है। उसके बाद ब्लश सो गई थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। कैट्स को एक्चुअली जो किटन्स होते हैं ना, इन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है नहाने के बाद, तो ये सो गई थी। बट उसके बाद जो इसके पंगे शुरू हुए, मतलब मुझे लगा था कि ये बहुत लेज़ी हो जाएगी। उसके बाद जब ये उठी तो मैंने इसका जान बूझ के ना ऐसे एंट्रेंसेस का जो था मैंने लॉक कर दिया, और ये देखो इसकी फिर हरकतें शुरू हुई, विच इज़ वेरी वेरी नॉटी। और मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाएगी, बट नहीं, शुक्र अल्लाह का नहीं है, ठीक है, एक्टिव है। फिर इसने थोड़ा सा खेला मेरे साथ एंड शी विल बी ऑल राइट, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बट मैं वो ज़्यादा घबरा गई थी, मुझे लगा पता नहीं। वेल अब मैंने इसके बाद उसको दवाई कुछ खिलाई थी दोबारा से, इसके जो कैट्स होते हैं ना ये स्नो वाइट कलर में होती है, और इसके यहाँ पे चिन एरिया पे थोड़ा सा ना वो दोबारा से कोई मार्क लग गया था, बट फिर मैंने सोचा कल कर दूँगी साफ। वेल अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।